हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कायाकृति में। दोस्तों, हमारे किचन में ही कई ऐसी फल और सब्जियाँ उपलब्ध होती है जो हमारे चेहरे को निखारने का काम करती है, उसमें चार चांद लगा देती है। उसी में से एक है बीट रूट, जिसे हम चुकंदर भी कहते हैं। दोस्तों, चुकंदर हमारे हेल्थ के लिए तो फ़ायदेमंद है ही, इसके साथ साथ ये हमारी खूबसूरती को भी निखारने का काम करती है। बीट रूट में विटामिन ए, सी, के और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो हमारे चेहरे से दाग धब्बे, पिगमेंटेशन को हल्का करता है और ड्राइनेस को दूर करता है। इसके साथ ही ये हमारे चेहरे को लंबे समय तक जवा बनाए रखता है और चेहरे पर गुलाबी निखार लेके आता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बीट रूट का फेस पैक। तो देखते हैं इस फेस पैक को बनाना कैसे है। लेकिन इससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे में जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि मैं और भी अच्छा वीडियो बना सकूँ आपके लिए। तो इस फेस पैक को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए आप देख लीजिए। बीट रूट का जूस, दोस्तों मैंने बीट रूट को अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया था और फिर इसे कद्दूकस से ग्रेट कर लिया और स्ट्रेनर से छानकर मैंने इसका जूस निकाल लिया है। दूसरा है बेसन, दही, हनी और नींबू। तो इस पैक को बनाने के लिए मैंने लिया है खाली बाउल और इसमें मैं लूँगी 1.5 चम्मच बेसन। बेसन का यूज़ किया है, बेसन हमारे स्किन को टाइट करेगा और हमारे चेहरे से दाग धब्बे को हटाएगा। इसके बाद मैं इसमें लूँगी दही, 1 चम्मच दही। दही में लैक्टिक एसिड होता है, ये हमारे चेहरे को मॉइस्चराइज करेगा और चेहरे से दाग धब्बे को हटाएगा। डेढ़ चम्मच बीट रूट का जूस, और 1/2 चम्मच हनी। हनी हमारे चेहरे को मॉइस्चराइज करेगा और चेहरे पे जो भी सन बर्न या सन टैन हो गया होगा उसको ठीक करेगा। इसके बाद मैं लूँगी नींबू। नींबू में विटामिन सी होता है, ये हमारे चेहरे से दाग धब्बे को हटाएगा। धूप के वजह से अगर सन बर्न या सन टैन हो गया होगा तो उसको ठीक करेगा और हमारे रंग को निखारने में हमारी सहायता करेगा। तो मैंने 1/2 चम्मच लिया है नींबू। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। काढ़ा है तो मैं इसमें 1/2 चम्मच बीट रूट का जूस ऐड करूंगी। और ये मेरा फेस पैक बनके तैयार है। तो देखते हैं इस फेस पैक को लगाना कैसे है। तो दोस्तों, ये देखिए मेरा बीट रूट का फेस पैक बनके तैयार हो चुका है। तो इस पैक को लगाने से पहले आप अपने चेहरे को अच्छे से धोकर साफ़ कर लीजिए, या फिर आप ले सकते हैं रॉ मिल्क, यानी कि कच्चा दूध। कच्चा दूध में लैक्टिक एसिड होता है जो हमारे चेहरे को डीपली क्लीन करता है। तो मैं यहाँ एक कॉटन पैड की मदद से अपने चेहरे को क्लीन कर लेती हूँ ऐसे, जिससे आपके चेहरे पे जो भी गंदगी होगा निकल जाएगा और जो भी आप फेस पैक लगाएंगे उसका अच्छा इफेक्ट आएगा। अपने नेक को भी क्लीन कर लीजिए। मैंने अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लिया है, अब इस पैक को मैं लगा लेती हूँ। अब ब्रश या फिंगर की मदद से इस पैक को पूरे फेस पे लगा लीजिए। दोस्तों, बीट रूट हमारे डार्क सर्कल को भी रिमूव करता है। अगर आपके आईब्रो पे लग जाता है तो आप इसे क्लीन कर लीजिए। अपने नेक पे भी ज़रूर लगाएं। मैंने इस फेस पैक को पूरे चेहरे पे लगा लिया है। लगाने के बाद इसे 20 से 25 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दे, ताकि ये अच्छे से सूख जाए। जब ये ड्राई हो जाए तो मैं बताऊँगी इसे उतारना कैसे है। तो दोस्तों, इस पैक को लगाए हुए 20 से 25 मिनट हो चुका है और ये मेरा पैक अच्छे से सूख चुका है। तो अब हम लेंगे डाबर गुलाब जल और इसे अपने पूरे चेहरे पे स्प्रे करेंगे, ताकि ये गीला हो जाए। और फिर इसे 1 से 2 मिनट के लिए मसाज कर लीजिए। याद रखें, अपने आईज एरिया पे हल्के हाथों से आपको मसाज करना है, कस के नहीं करना है, नहीं तो रिंकल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको लगे कि ये बहुत ही ज़्यादा ड्राई है
तो आप थोड़ा सा स्प्रे और कर लीजिए। 1 से 2 मिनट मसाज करने के बाद आप इसे ठंडे पानी से धो लीजिए। मैंने अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लिया है। ठंडे पानी से धोने के बाद आप अपने चेहरे को मॉइस्चराइज या टोनिंग ज़रूर करें। आप जो भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं उसे अपने चेहरे पे ज़रूर लगाइए। आप चाहे तो एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र के रूप में काम करता है। दोस्तों इस पैक को आप वीक में 2 से 3 बार लगाइए। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्ते।